वालेकुम नमस्ते सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? मैं ये कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। जब तक मैं जिंदा हूँ असान सीएम हिमंता चाइल्ड मैरिज के खिलाफ वो उन्होंने बोला है कुछ। आइए मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये आदमी खुला नहीं रहना चाहिए, इसके जुबान में इसके मुंह में डंडा रेल देना चाहिए, डंडा रेल देना चाहिए सरकार को। ये इंसान खुला नहीं रहना चाहिए। आप लोग सुन लीजिए, असम में साइल मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। जब तक हिमंता शर्मा जिंदा है तब तक असम में साइल मैरिज नहीं होगा। 2026 साल का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। तो इसी मुद्दे पर होगी आज बात। और आप लोगों को फिर से एक बार बेशर्मी की, जिहालत की, कौम को भड़काने की प्रकाष्ठा दिखाऊंगा। और मुझे समझ में नहीं आता कि इस इंसान को खुला क्यों छोड़ रखा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो आप लोगों ने असम के मुख्यमंत्री को बिल्कुल नाराज और उत्तेजित देखा। उत्तेजित और नाराज इस मारे देखा क्योंकि ये लगभग पिछले 2 साल से एक मुहिम चला रहे हैं कि असम में चाइल्ड मैरिज के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। और असम की क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 33-34% है, तो असम में आज से लगभग 90 साल पहले एक एक्ट लाया गया आजादी से पहले का, असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। इस एक्ट के तहत 2010 में इसमें यह एक प्रावधान था जो बाकी भारत में नहीं है। अच्छी चीज थी कि जो स्टेट ऑफ असम था वो कुछ काजियों को नियुक्त करता था एज रजिस्ट्रार पूरे असम में। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले वो बात सुन लीजिए जिसके लिए मैंने शुरू की अपनी पहली बाइट में बोला था कि आज आपको एक बार फिर से जिहालत की, कौम को बलगलाने की, कौम को भड़काने की प्रकाष्ठा सुनाता हूं। और उसके बाद बताऊंगा कि ये असल में मामला है क्या, कानून है क्या, इसमें क्या चेंज किया गया है, क्या रिपेल किया गया है। और हिंदू भाइयों, आप ये सवाल पूछो सरकार से कि ये आदमी खुला क्यों घूम रहा है। और मुसलमान भाइयों, तुम लोग सवाल पूछो अपने आप से कि आप ऐसे जलील इंसान को जाने अनजाने अपना रहनुमा, अपना नेता मान बैठे हैं। चुनाव में खैर वो बात नजर नहीं आती, वैसे हाँ आपको लगता है कि ये कौम की भलाई के लिए बात करता है। सुनते हैं पहले। असम में जो कानून को असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने खत्म किया है, वो भी रात के 12 बजे वो कानून खत्म करे जो 90 साल पुराना कानून है। उस कानून के तहत असम के मुसलमानों की शादी वहां के रजिस्ट्रार या खाजी के तहत होती थी। अभी बताऊंगा कि असम के मुसलमानों की शादी कैसे होती थी। यह बोल रहा है कि असम के मुसलमानों की शादी रजिस्ट्रार या रजिस्टर्ड काजी के जरिए होती थी। फर्क देखिएगा कि ये कैसे बलगला रहा है एक हल्का सा एक चीज को ट्विस्ट करके, और हकीकत क्या है। आगे चलिए। और उसके बाद उनको निकाह नामा का सर्टिफिकेट मिलता था। अब उन्होंने क्या काम किया कि उसको सिस्टम को बर्खास्त कर दिया। अब मुसलमानों की शादी तो निकाह से होती है ना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रोविजन है क्या?
थोड़ा और झेल लो इसको, फिर बताता हूं। विजन है क्या, बताइए मेरे को भाई। मेरा रिलीजियस ड्यूटी है, मैं अपने रिलीजन के लिहाज से शादी करूंगा ना। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो रिलीजन नहीं है, वो तो एक न्यूट्रल सेकुलर लॉ है। तो अब निकाह का आप उसमें कॉन्सेप्ट निकाल दिया नंबर वन। हाँ, पूरा सुन लिया आप लोगों ने। फिर से जो छूट में थोड़ा बोला था फिर से बता देता हूं। असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 34% है। 1935 में वहां पर एक एक्ट लाया गया, असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। वो सभी सरकारों ने उसका एक सिस्टम बनाया। सिस्टम यह बनाया कि सरकार ने कुछ काजी अलग अलग क्षेत्रों में सुनिश्चित करे। टोटल मिला के 94 काजी हैं। उनको एक जैसे नोटरी सरकार लाइसेंस देती है, उनको लाइसेंस दिया गया। जैसे आप आसान भाषा में समझ लीजिए नोटरी, उनको इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रार माना गया कि यहां पर जाकर आप अपना निकाह नामा दिखाकर पेश होकर अपनी निकाह को रजिस्टर कर सकते हैं। ये बोल रहा था कि शादी रजिस्ट्रार और कुछ काजी के थ्रू ही होती थी, और इस सरकार ने रात के 12 बजे उस पूरे एक्ट को रिपील कर दिया, खत्म कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। अब पहला आपने फर्क पकड़ा, ये जो झूठ बोल रहा है। अब जो ये 94 थे, ये एक तरह से पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, इनकी इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। और इस एक्ट में एक ये भी प्रावधान था कि मुस्लिम समाज में अगर शादी हो रही है तो अगर लड़की 18 साल से कम की है और लड़का 21 साल से कम का है तब भी उनकी शादी को जायज माना जाएगा। और ये जो रजिस्टर्ड काजी है, रजिस्टर्ड काजी जैसे रजिस्टर्ड नोटरी होता है, तो ये जो रजिस्टर्ड काजी हैं, ये उसको एक निकाह का रजिस्ट्रेशन की तरह सर्टिफिकेट देते थे। जैसे अगर हिंदू आदमी को ये सर्टिफिकेट कोर्ट देता है, और अगर मुस्लिम आदमी को बाहर ट्रेवल करना हो या कहीं ट्रेवल करना हो तो बाहर की कंट्रीज भी वीजा देने से पहले, अगर आप हस्बैंड चला गया है, वाइफ को पीछे पीछे जाना है, चाहे वो अरब वर्ल्ड है, मिडिल ईस्ट है, चाहे वो यूरोपियन अमेरिकन वर्ल्ड है, वो लोग एक निकाह नामा के अलावा रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। तो मुस्लिम कपल को भी कोर्ट जाना पड़ता है अगर उसको बाहर ट्रेवल करना है, हस्बैंड एंड वाइफ, या हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती है, और वो सर्टिफिकेट ही एम्बेसी में दिखाया जाता है निकाह नामा के अलावा। समझ गए, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको। लेकिन इसी तरह असम में एक सुविधा थी कि वहां का जो नोटरी काजी होगा वो आपकी शादी को रजिस्टर करेगा। उसमें बहुत गड़बड़ियां पाई गई ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, डिवोर्स को भी करेगा। और दूसरी बात, उसमें एक सिस्टम था कि 18 से नीचे और 21 से कम की भी शादी, लड़की अगर 13 से ऊपर है तब भी उसकी शादी रजिस्टर कर दी जाएगी। उस एक्ट को सिर्फ और ये रजिस्टर्ड काजी का जो सिलसिला था उसको असम गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। ये बोला है ना कि भाई मुसलमान की शादी तो निकाह से होती है, स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रावधान कहां है, अब मुसलमान क्या करेगा। ये आदमी खुला नहीं रहना चाहिए, इसके जुबान में, इसके मुंह में डंडा रेल देना चाहिए, डंडा रेल देना चाहिए सरकार को। यह इंसान खुला नहीं रहना चाहिए। ही डज नॉट डिजर्व टू लिव इन लिबर्टी, ही डज नॉट डिजर्व दैट मीडिया शुड गो टू दिस पर्सन फॉर हिज बाइट्स। और जो ये एक्ट ला रहे हैं मिसरिप्रेजेंटेशन का या गलत फैक्ट्स का, क्या ये सरकार सिर्फ छोटे मामूली लोगों के लिए ये एक्ट लेके आ रही है जिनको उठा उठा के जेल में डालेगी, या ऐसे लोगों के लिए भी लेके आ रही है कि इनको उठा के जेल में डालेगी और उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे। तो ये थी हकीकत।
और इससे पहले साथियों मैं आगे बढ़ूं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट कर दूं आप लोगों को कि भैया आप लोग, हम उससे कहते थे कि आप दिन में मौके पर कभी दो वीडियो बना दिया करिए, तीन बना दिया करिए, भैया मैं इतने नहीं बना सकता, मैं एक से ज्यादा नहीं बना सकता, लेकिन एक नई चीज लेके आ रहा है आप लोगों के सामने फेस टू फेस। और जब रिजवान अहमद ने बोल दिया है नई चीज, तो मान लीजिए वो नई चीज होगी, नया नाम होगा, नया किरदार होगा, नया कंटेंट होगा। छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं पांच पांच मिनट के, बहुत सी ऐसी मेन न्यूज होती हैं जो आकर चली जाती हैं, लेकिन उनकी फॉलो अप न्यूज आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। आप लोग सिर्फ उसी को और हम लोग न्यूज समझते हैं जिस पर डिबेट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल आप हमास और इसराइल का मुद्दा ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप मालदीव का मुद्दा ले लीजिए। अब वो न्यूज पीछे चली गई है, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो बिल्कुल नए अंदाज से इसी तरह के अपडेट्स, नए किरदार, नए नाम, ये नहीं कि मैं ही अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दूं, पॉडकास्ट कर दूं या कर दूं, ना, नए नाम, नए किरदार, नए मौज, नई मस्ती, नया मजाक, नया तरीका, सारा नया बोल दिया है। जो बोल देता हूं उसके लिए अकाउंटेबल होता हूं। एक बिल्कुल नए तरीके से आपके सामने 1 मार्च से पेश हो रहा है। जरूर कमेंट्स में जवाब देखें, लिख के भेजिएगा। शुरू में हम एक दिन में 2 प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, उसके बाद हम 4 प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, उसके बाद हम 5-5 मिनट के एक दिन में होपफुली 6 अपडेट देते रहेंगे। बीच में इवनिंग में 4 से 5 के बीच में संभवतः मैं भी आता रहूंगा। चीज बिल्कुल नहीं है, आप उस पर और कमेंट्स करिएगा, हमें एडवाइस करिएगा, लेकिन यकीन करिए जो फेस टू फेस लेके आ रहा है, ना ये चीज मीडिया में है, ना ये चीज, ये तरीका, ये भाव, ये कंटेंट सोशल मीडिया पर है। पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन ये आप जरूर कहेंगे कि फेस टू फेस ने, रिजवान अहमद ने जो कंटेंट दिया वो बिल्कुल ही अनोखे और बिल्कुल अजीब और बिल्कुल ही नए अंदाज का दिया। आगे थोड़ा सा और सुन लीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें बहुत ही गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। अब आपको जहां भी जैसे भी शादी निकाह करना है कर लीजिए, निकाह को कोई डिस्टर्ब नहीं किया है, निकाह के तरीके को कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। यह जाहिल इंसान यह बताना चाह रहा है कि पूरे एसएम में वो 94 काजी ही थे जो निकाह पढ़वा सकते थे, भाग भाग के इधर से उधर, उनके अलावा कोई निकाह पढ़वा ही नहीं सकता था। देखा, इसने सुना नहीं, इसने बोला कि वही शादी करवाते थे, वही शादी करवाते थे या वही शादी को, निकाह को रजिस्टर करते थे। सोचो इस दोनों बातों में कितना बड़ा फर्क है। हिंदू तुम भी सोचो और मुसलमानों तुम भी सोचो कि ऐसा इंसान, अगर तुम ये सोचते हो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए फायदेमंद है या डिविसिव पॉलिटिक्स के लिए फायदेमंद है और मौके पर मौके किससे लाभ हो रहा है, तो हिंदुओं तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत पछताओगे। ऐसे इंसान के मुंह में लाठी रेल देनी चाहिए कि यह बोलना बंद कर दे, लाठी लाठी रेल देनी चाहिए, बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, कि डायपर बांध देना चाहिए, लाठी रेल देनी चाहिए इस इंसान के अंदर, इसके मुंह में, कि इसकी जुबान चलनी बंद हो जाए, सिर्फ नाक से सांस ले पाए। आगे चलता हूं। 2010 में ये इसमें एक अमेंडमेंट आया कि इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवोर्स होगा, पहले था वो वॉलंटरली, अगर आप चाहें तो कराएं, चाहे तो ना कराएं, लेकिन उसके बाद ये हो गया कंपलसरी कि आप कराएंगे। 2023 में इसी एसआईएम की गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए। 4,000 लड़के इसमें जेल भेजे गए और उनके कुछ परिवार वाले भेजे गए, पॉक्सो का मुकदमा उन पर चलाया गया। अब आप सबको ये बताएगा कि उसमें मुसलमानों को जेल भेजा गया, ये इसी तरह बताएगा, मुसलमान आले, मुसलमान नेता इसी तरह बताएंगे। हकीकत यह है कि वहां पर जो परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज था, सुनिएगा, परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज वो मुस्लिम्स में ज्यादा था, लेकिन गैर मुसलमानों में भी वहां पर यह चलन था। इसलिए जो 4,000 लोग जेल भेजे गए उसमें से 62% मुस्लिम थे, लेकिन 38% उसमें गैर मुस्लिम लड़के और उनके परिवार वाले भी थे, 38%। लेकिन वो 38% जो भेजे गए वो आपको मातम करते बस कहीं नजर नहीं आएंगे।
मातम करते यही 62 नजर आएंगे, 62% नजर आएंगे। तो अब गवर्नमेंट ने सिर्फ उसको एब्रोगेट करके, एबॉलिश करके उस एक्ट ऑफ 1935 को, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स मुस्लिम एक्ट को करके ये कहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नोडल ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की यहां अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट होगा। सुना आपने, फर्क देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रावधान तो है नहीं, तो मुसलमान जाएगा कहां, मुसलमान शादी कैसे करेगा। और कौम सुन रही है, सुन रही है कौम, और गवर्नमेंट बोलने दे रही है और कौम सुन रही है। बहुत पछताएगा ये देश, ये समाज इस तरह के लोगों के मारे आज से 20-25 साल बाद। इनका इलाज सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मुझे पता है इन लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। तो अब बस इतना चेंज आया है कि आपको जहां भी जैसे भी मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करना है करिए, आपको सही तरीके से तल्लाक एहसन और तल्लाक हसन आपको अगर करना है तो आप करिए, लेकिन उसके एविडेंसेस के साथ जाके उस डिवोर्स को और उस निकाह को अब आप सिर्फ नोटराइज्ड काजीज, रजिस्टर्ड काजीज के पास रजिस्टर नहीं कराएंगे, आप जाके नोडल ऑफिसर कमिश्नर के पास रजिस्टर करवाएंगे और वो ये सुनिश्चित करेगा कि लड़की 18 या 18 से बड़ी हो और लड़का 21 या 21 से बड़ी हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी शादी को एसएम गवर्नमेंट के हिसाब से मान्यता नहीं मिलेगी। किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वाइफ अपने शौहर का नाम वाइफ ऑफ फलाना फलाना इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। बस दो बदलाव आए हैं कि लड़की 18 से बड़ी, लड़का 21 से बड़ा, और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में सारे अपने डॉक्यूमेंट लगाकर होगा, मुसलमान के लिए भी और हिंदू के लिए भी और किसी और के लिए भी। यह है हकीकत, और किस तरीके से उसको बयान किया जा रहा है, और कोई इसकी जुबान पर नकेल डालने वाला नहीं है। मेरा बच्चले तो नाक और जुबान दोनों में छेद बनाकर रस्ता डालकर खींच दूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था आसाम से चाइल्ड मैरिज का जो रोकने का केस है, वो उस मामले पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा बहुत ही नडर हैं, और बहुत ही उनके बारे में मैंने सुन रखा है कि बहुत ही काबिल हैं और बीजेपी के एक जबरदस्त लीडर भी हैं। और दूसरी बात ये है कि चाइल्ड मैरिज क्यों, आखिर क्यों हम ही इसमें क्यों इन्वॉल्व नजर आते हैं, और हमारे लोग, और ये खुल्लम खुल्ला एक अयाशी है, एक वहशत है, और जिसकी तरफ तवज्जो कराई गई। और कानून कौन बना रहा है, बीजेपी का एक सीएम जो के असम का है, और क्योंकि वहां पे केसेस बहुत ज्यादा आए चाइल्ड मैरिजेस के, और देखिए ये जुल्म है, ज्यादती है, और इसको किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं करा जा सकता। लेकिन इस एक्ट के खिलाफ भी वो मुसलमानों का रहनुमा आगे आ गया, वो जो 90 साल पुराना कानून है उसको बदल दिया गया, और फिर ये इसी वजह से ही क्लास लगाते हैं रिजवान सर, और फिर हमारे मुसलमान भाई भी उसके नीचे कमेंट्स करते हैं कि तुम रिजवान की क्यों वीडियो लेते हो, ये तो वो है, ये तो वो है, ये तो वो है। देखिए ये वो चीज़ें हैं, ये जो वो खराबियां हैं हम में, उनकी निशानदेही करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। अब हम कब तक अपनी खामियों पर पर्दे डालते रहेंगे, कब तक हम उसको जस्टिफाई करते रहेंगे, कब तक हम ऐसी ऐसी चीज़ों को जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हम उनको रद्द करते रहेंगे। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये खराबियां हम में हैं, तो हमने इसको ठीक अब कैसे करना है? आज जमाना बदल गया है, आज हमें जमाने के साथ अगर चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी पड़ेगी, हमें बच्चे कितने चाहिए होंगे, हमें आने वाले टाइम पे ये सारी चीजें हम नहीं कर पाए, हमें अपने बच्चों की तरफ ये तवज्जो, ये एजुकेशन उन्हें देनी पड़ेगी कि उन्हें मुआशरे का एक मुअज्जज फर्द और शहरी कैसे बनना है। चाइल्ड मैरिज पाकिस्तान में भी
ये उतना ही बड़ा एक बेरहमाना रवैया है जो लोग शायद करते हैं। और फिर मैंने कई सारे ऐसे केसेस अपनी आंखों से देखे हैं कि छोटी उम्र की बच्चियों की उम्रें भी बड़ी लगा दी जाती हैं, और ये उनके साथ एक और बड़ा जुल्म है कि जब वो नकाब रजिस्ट्रार उम्र पूछता है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं है, यहाँ यहाँ कानून है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी अगर किसी की कम उम्र में शादी हो रही है तो उसकी उम्र ही 1-2 साल ज्यादा लिखा दी जाती है। पता नहीं कब तक हम ऐसी चीजों को जस्टिफाई करते रहेंगे। वो दरअसल बात ये है कि कोई शऊर कोई सेंस होना तो फिर पता चलता है कि खुद की तरबियत अच्छी हुई है तो वो अपने बच्चों की भी तरबियत फिर अच्छी करता है। लेकिन जब उसने देखना कि यार ये तो अभी क्या कहो कि जवान हो रही है मेरी बेटी, मैं जवान होने से पहले जो है ना इसकी शादी कर देता हूँ, ये नहीं सोचना कि बच्ची का मुस्तकबिल क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, वो थोड़ी सी सेंसिबल तो बच्ची हो ले। लेकिन ऐसे जो केसेस होते हैं ना गरीब घरों के होते हैं, लेकिन जो कर रहे होते हैं वो सब कुछ जानबूझ के, और 50-60 साल की उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो कर रहे होते हैं अपने पैसे का इस्तेमाल करके, और अक्सर तो पता नहीं क्या बनी का जो है ना वो शिकार होती है खवातीन, क्योंकि अगर कहीं पे किसी की लड़ाई होगी को कत्ल हो गया तो उसके में जो है ना वनी के अंदर जो है ना वो लड़की को जो है ना शादी कर दी जाती है सुलह करवाने के लिए, कोई वही आपस में लड़ पड़ते हैं सुलह करवाने के लिए, तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। तो इन चीजों के ऊपर देखिए ना तो इस्लाम में किसी मजहब में भी नहीं है तो बिल्कुल भी ये बिल्कुल ठीक है, जो चाइल्ड मैरिज है ये होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी मजहब को आप स्टडी करें उसमें ये नहीं लिखा गया, उसमें यही लिखा गया कि जब तक आपकी औलाद बालग, आपका लड़का लड़की कुरान पाक में भी लिखा गया जब बालिग हो जाए अपनी उम्र तक पहुंच जाए तो फिर उनकी शादी करो, तो चीज यही है। और हमें यह भी दिखाया समझाया गया है कि अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाओ, उसके लिए भी हमें ये बताया गया, उसके ऊपर फिर हमें फतवे आते हैं जी देखें जी ये वक्फे का वक्फ हो रहा है तो वो हो रहा है ये हो रहा है, तो भाई वो कुरान पाक में भी कहा गया है कि 2 साल माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं, जिससे बच्चों की नशोनुमा भी अच्छी होती है, जो बच्चे पैदा करने वाले जिसको हमने मशीन बना समझ लेते हैं, मेडिकली भी मेडिकल जरूरी है, तो इन चीजों को जब हम पढ़ते हैं सर्च करते हैं तो फिर हमें हमारे नॉलेज में जो है ना इजाफा होता है, लेकिन जब हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते तो जहालत का जो है, और देखिए वो कह रहे हैं जी 90 साल का कानून, भाई चाहे 100 साल का कानून है 600 साल का कानून है, जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है उसको चेंज होना चाहिए, इंसान के बनाए हुए असूल हैं जो वक्त के साथ हर एक चीज बदलती रहती है, जो गलत चीजें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, जो अच्छी चीजें हैं उन्हें अपना लेना चाहिए। और देखिए ये यूसीसी का जो कानून लाया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, मैं कहता हूँ इसे सबसे पहले पाकिस्तान में लागू होना चाहिए, लेकिन हम मजहब के पीछे छुपने वाले, मजहब को एक बिजनेस बनाकर चलाने वाले और फिर ऐसी ऐसी जहालत करने वाले लोग हैं, भाई यूसीसी यहाँ पे लागू हो जाएगा तो क्या ही कह सकते हैं, हम जो है ना वो हलवा वाले कपड़े कैसे फाड़ेंगे। चले बहुत ही जबरदस्त था वीडियो, बहुत ही सबक आमोज था, और अवेयरनेस जरूर आनी चाहिए इन ऐसी चीजों को ऐसी घटनाओं को देखकर। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।